और दिल्ली डरती किस बात से है। जब जब इस देश के बेटों को आदेश दिया हमने संसद से लेकर के सरहद तक के इतिहास बदले। विश्व साक्षी है, संसार साक्षी है, सन 71 में हमारे सामने 97,000 युद्ध बंदी नतमस्तक खड़े थे। आज मुंबई में चाहे गुंडों को भेज करके निर्भी लोगों की हत्या करवा दे पाकिस्तान, लेकिन एक टिप्पणी करता हूं, यदि ये संस्कार हिंदुस्तान के बेटों के रहे होते तो सन 71 में 97,000 के सर कलम करके ताबूत में बंद करके इस्लामाबाद भेज सकते थे। अपनी संस्कृति ऐसी नहीं, तब भी दिल्ली को आश्वस्त करना चाहता हूं हरियाणा और पंजाब की शौर्यशाली धरती से, उस धरती से जिसने सर्वाधिक सरहदों को बेटे दिए। पढ़ता हूं चार पंक्तियां कि जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दम झाड़ते चले गए, यहां माला जपने के सपने जो देखते थे उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए, यहां माला जपने के सपने जो देखते थे उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए। नानी याद करता था पानी मांगता था पाक, नानी याद करता था पानी मांगता था पाक, जब चाह पानी सा उतारते चले गए, दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए, दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। दिल्ली को कुछ नहीं करना, इस बेटों को, इस देश के बेटों को आदेशित करें, कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा। सियासत को भ्रम है कुछ बड़े लोगों को कि शायद भारत में कश्मीर का विलय हुआ है या नहीं है, भारत कश्मीर में है या नहीं। सेना को आदेश दे, कश्मीर का यदि विलय नहीं है तो हो जाएगा, इस बार होने दे। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे, शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे, शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे, शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत तो हमें जो दे दे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत तो हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़ आएंगे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत तो हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़ आएंगे, इंच इंच पाक में। क्या बात मैंने बात कर रहा था कि दो प्रकार की संस्कृति जीता। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण को शक्ति का आघात लगा, राम के दल में चिंता हुई आगामी युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। हनुमान सोते हुए सुषेण वैद्य को उठा लाए, उन्होंने बताया लक्ष्मण जीवित तो हो सकते हैं, शर्त यह है रातों रात उत्तर से संजीवनी लेकर के आए कोई व्यक्ति। दुष्कर कार्य पर भी हनुमान निकले, लेकिन रास्ते में कालनेमी ने रोक लिया तो हनुमान को विलंब हुआ। उन्हें चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो उनके संजीवनी लाने से पहले किरणों का चमत्कार हो और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए, इसलिए आकाश में जाते हुए हनुमान ने एक निवेदन किया सूर्य से। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है कि हनुमान ने बचपन में एक बार सूर्य को मीठा फल समझ करके निगल लिया था। फिर भी शक्तिशाली होने के बाद भी ये देश विनम्रता की भाषा बोलता है। हनुमान ने एक निवेदन किया कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक ना संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना। ये हिंदुस्तान का पहला स्वर है, हम शक्तिशाली होने के बाद विनीत होते हैं, विनम्र होते हैं, लेकिन इस देश की विनम्रता को कोई कायरता की संज्ञा दे तो इसे हनुमान का दूसरा स्वर भी सीखना पड़ेगा। हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक ना संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिन करिए ध्यान रहे अंजनी तने से पाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है, वो स्वर भी सीखना पड़ेगा। सियासत ने अफजल गुरु के फांसी के विरोध में कुछ कहा, मैं उनके विरोध में कहना चाहता हूं कुछ जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी के विरोध में कुछ कहा। किस किससे नहीं पूछा गया अफजल की फांसी के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, लेकिन टिप्पणी करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात अफजल गुरु को कौन सी सजा मिलेगी इस बात का निर्णय क्या इस देश की एहसान फरामोश और कृतज्ञ राजनीति लेगी? अफजल के संदर्भ में कोई निर्णय लेने का हक है तो केवल उन 8 माताओं को जिन्होंने अपनी इकलौती कोख इस देश के लिए बलिदान किया। अफजल के संदर्भ में कोई निर्णय लेने का हक है तो केवल उन 8 पिताओं को
जिन्होंने अपने घर के इकलौते चिराग इस देश के लिए बुझा दिए। दोस्तों, अफजल के संदर्भ में कोई निर्णय लेने का हक है तो केवल उन 8 विधवाओं को जिन्होंने अपने सिंदूर की लाली से तिरंगे में केसरिया भर दिया। तब पढ़ता हूं कि दे गए जो चढ़ती जवानियों की कुर्बानी, शहीदों की जलती चिताओं से तो पूछते, जिनके घरों के इकलौते भी चिराग बुझे, खोए अंधकार में पिताओं से तो पूछते, जिनके घरों के इकलौते भी चिराग बुझे, खोए अंधकार में पिताओं से तो पूछते, जिनके सिंदूरी सपने हवन हो गए हैं, जिनके सिंदूरी सपने हवन हो गए हैं, एक बार उन विधवाओं से तो पूछते। और कहीं सैनिकों के परिवारों का कष्ट आपके दिल को छुए तब हाथ उठाना अपने, कि दे गए जो चढ़ती जवानियों की कुर्बानी, शहीदों की जलती चिताओं से तो पूछते, जिनके घरों के इकलौते भी चिराग बुझे, खोए अंधकार में पिताओं से तो पूछते, जिनके सिंदूरी सपने हवन हो गए हैं, एक बार उन विधवाओं से तो पूछते, देशद्रोहियों को प्राण दंड दे, प्राण दान बलिदानी सैनिकों की मां से तो पूछते, देशद्रोहियों को प्राण दंड दे, प्राण दान बलिदानी सैनिकों की मां से तो पूछते। और कड़वा होकर के कुछ कहना चाहता हूं, और आपका समर्थन यह बताएगा कितने दिन में मैं दिल्ली से इस बात को मनवा लूंगा। यद्यपि मुझे लगता नहीं मान जाएगी, अफजल की फाइल निपटाई होती तो अजमल तक नहीं पहुंचे होते हम लोग। अजमल तक तभी पहुंचे जब हमने अफजल को फांसी पर नहीं लटकाया। लेकिन फिर भी मैं एक आश लेकर के, एक विश्वास लेकर के इस कविता को सारे देश में पढ़ता हूं, दिल्ली शायद मेरी बात सुने। कि हत्यारों के ही तुम्हें खुली बयान बाजियों का, हत्यारों के ही तुम्हें खुली बयान बाजियों का, तीव्र होता हुआ ये प्रवाह मंद कीजिए, उग्रवादियों के पक्षधारियों के सीने फाड़ बलिदानियों के मान को बुलंद कीजिए, उग्रवादियों के पक्षधारियों के वक्ष चीर बलिदानियों के मान को बुलंद कीजिए, देशद्रोही की रिहाई की दुहाई दे रहे जो, उन देशद्रोह के स्वरों को बंद कीजिए, ऐसे धूर्त नेताओं को अफजल से भी पहले फांसियों पर लटकाने का प्रबंध कीजिए, ऐसे धूर्त नेताओं को अफजल से भी पहले फांसियों लटकाने का प्रबंध कीजिए। और ये ना हो तब कुछ कहना चाहता हूं, निवेदन करता हूं इस देश के बेटों से, इस देश की वर्दी से, वो करें जो मैं कहना चाहता हूं, कि जिनसे सदैव विषधार ही छलकती है, जिनसे सदैव विषधार ही छलकती है, करके प्रहार वो विषैले घट फोड़िए, जिनसे सदैव विषधार ही छलकती है, करके प्रहार वो विषैले घट फोड़िए, क्रांति के बिना कभी भी शांति नहीं संभव है, भ्रांति में भटकता विचार रथ मोड़िए, क्रांति के बिना कभी भी शांति नहीं संभव है। मैंने गणतंत्र के उपलक्ष्य में पिछले 8 दिन से कवि सम्मेलन कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य इस देश का यह है, मैंने इन कवि सम्मेलनों में से सुभाष जयंती का एक भी कवि सम्मेलन नहीं किया। इस देश में जैसे भुलाया जा रहा है सुभाष को, नेताजी के साथ जैसे षड्यंत्र है, यदि उनकी परंपरा ये देश भूलेगा तो जो कुछ हो रहा है वो होगा। तब कहना चाहता हूं कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है, मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है, शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु तो आज जनक्रांति के विकास की जरूरत है, शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु तो आज जनक्रांति के विकास की जरूरत है, रिलाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है, भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है, भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। तब पढ़ता हूं सुभाष के संदेश को, प्रसारित करता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से। कि जिनसे सदैव विषधार ही छलकती है, करके प्रहार वो विषैले घट फोड़िए, क्रांति के बिना कभी भी शांति नहीं संभव है, भ्रांति में भटकता विचार रथ मोड़िए, हाथ मत जोड़िएगा क्रूर का तिलों के आगे, हाथ मत जोड़िएगा क्रूर का तिलों के आगे, वक्त की है मांग इन्हें तोड़िए मरोड़िए, फांसी पे चढ़ाने की जरूरत ही कौन सी है। या तो मेरे समर्थन में हाथ खोलना इन पंक्तियों पर, या मेरे विरोध में हाथ खोलना, मैं देखना चाहता हूं उस देश की जनभावना क्या है, कुछ ना कुछ जरूर करना, या तो मेरे समर्थन में हाथ खोलना या मेरे विरोध में हाथ खोलना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना। तब कहता हूं कि हाथ मत जोड़िएगा क्रूर का तिलों के आगे, हाथ मत जोड़िएगा क्रूर का तिलों के आगे, वक्त की है मांगी इन्हें तोड़िए मरोड़िए, फांसी पे चढ़ाने की जरूरत ही कौन सी है, इन्हें मुठभेड़ में ही जिंदा मत छोड़िए, फांसी पे चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इन्हें मुठभेड़ में ही जिंदा मत छोड़िए। और समय की अपनी सीमा है, कि कवि सम्मेलन को 10:30 बजे तक समाप्त होना है, 11 बजे कवियों को जाना है ट्रेन से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और
हमारे दो मित्र कवि अभी बाकी जिन्हें काव्य पाठ करना है, मैं सिर्फ ये पंक्तियां अपनी पढ़ करके और विराम देना चाहता हूं अपने काव्य पाठ को वंदे मातरम गीत के समर्थन में। सियासत जो सियासत करे, वंदे मातरम गीत वो है जिसे दिल जेल की शलाखों पर, जेल की दीवारों पर शलाखों से कीलों से लिख लिख करके देश के क्रांतिकारियों ने गाया, जिस गीत ने देश को आजादी के दिन दिखाए। चार पंक्तियां पढ़ करके बैठना चाहते कि हार नहीं जीत है ये पावन पुनीत है, हार नहीं जीत है ये पावन पुनीत है, ये क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम, भगत का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की है गीता, अशफाक उल्लाह का कुरान वंदे मातरम, भगत का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की है गीता, अशफाक उल्लाह का कुरान वंदे मातरम। जेल की दीवारों पे शहीदों ने लहू से लिखी, जेल की दीवारों पे शहीदों ने लहू से लिखी जंगे आजादी की दास्तान वंदे मातरम, इसको फिरंगियों की फांसियां न रोक पाई, शूलियों पे गाया गया गान वंदे मातरम, इसको फिरंगियों की फांसियां ना रोक पाई, शूलियों पे गाया गया गान वंदे मातरम, शूलियों पे गाया गया।